हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म जो है उसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमने टेरिडोफाइटा की बात करी थी तो सीड जो है उसके अंदर अब्सेंट होता है, सीड हैबिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को अपन लगातार डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का हम हाईलाइट बना करके लेकर के आए आपके लिए और उसको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहे हैं। नीट 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत कम बचा है अपने पास, तो हमें प्रॉपर तरीके से तैयारी करना पड़ेगी। ठीक है, समय कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। जैसे यदि आपने कसम खा रखी है कि 2022 में एनी हाउ कंडीशन सिलेक्ट होना ही है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 600 मार्क्स आपको ऑल ओवर इंडिया में, यदि कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 600 मार्क्स यदि आपके आ जाते हैं, ठीक है, तो या तो स्टेट कोटे से या ऑल इंडिया कोटे से, किसी ना किसी कोटे से आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। कितने 600 मार्क्स चाहिए, यदि आप ज्यादा लेकर के आते तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यदि हम 600 मार्क्स में से 340-350 मार्क्स यदि हम बायो में लेकर के आ जाते हैं तो हमें 250 के समथिंग मार्क्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में लाना रहेगा। ठीक है, आज के समय में जो पेपर आ रहा है तो 150-160 मार्क्स के आसपास केमिस्ट्री में लेकर के आ जाएंगे, तो हमारा 500 के समथिंग स्कोर बन जाएगा टोटल। और यदि 100 मार्क्स या 110 के समथिंग जो मार्क्स है फिजिक्स में आ जाते हैं तो ये टोटल 600 हो गया। तो हमें या तो 85% सीटों में से सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, या फिर एक तरीके से 15% मिल जाएगा, कैंडिडेट सीट अरेंज हो जाएगी। ठीक है, और अब तो और एक और नया बेनिफिट आ गया कि 20 मिनट जो है अपने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो डेफिनेटली 22 में कॉलेज मिल जाएगा। मतलब यदि आपने फिक्स कर रखा है कि कॉलेज चाहिए ही सही 22 के एग्जाम में, तो फिर हमारा काम हो जाएगा, है ना। अब उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं कि एनसीईआरटी या एक तरीके से बायो में 350 मार्क्स लेकर के आना है तो कैसे लेकर के आएंगे। एनसीईआरटी को 1-to-1 डिकोड करना है, एक एक पॉइंट को समझना है और उसके ऊपर हमें क्वेश्चन लगाना है। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे बेटा बायो में उतना बेनिफिट है। ठीक है, बायो में नॉट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना, उसके साथ साथ उसको एक तरीके से हमें डिकोड करना पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमें लगाना पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, प्लस उसके साथ साथ कोई एक परफेक्ट बुक हो तो वो यदि आप लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता हो कि बायो में ये बुक ठीक है जिससे कि हमारे को एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, तो वो बुक लगाइए। और यदि क्वेश्चन आपके सोल्व ना हो तो डेफिनेटली आप हमें टेलीग्राम पर या फिर एक तरीके से यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर एक तरीके से व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन सेंड करिए कि सर यहाँ पर हमें दिक्कत है, तो हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करने वाले जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म पहले अपन एक तरीके से थोड़ा सा टेरिडोफाइटा का रिकॉल कर लेते हैं, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा से स्टार्ट कर देते हैं ना, है ना। तो ब्रायोफाइटा फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट है, लेकिन उसके पास किसी टाइप के वास्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते हैं, प्लस उसके साथ साथ उसके पास जो होता है ना ट्रू रूट होता है ना ट्रू स्टेम है ना ट्रू ही लीफ है ना। तो ब्रायोफाइटा बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, वो एक तरीके से वाटर के आसपास ही कहीं ना कहीं ग्रो करता है। देन आफ्टर अपन बात करेंगे किसकी, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा प्लांट जो होते हैं वो थोड़ा से एडवांस होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइटा, क्योंकि उनके पास वेल डिफरेंशिएट वास्कुलर टिश्यू होते हैं, नॉट वेल डेवलप, वेल डिफरेंशिएट जाइलम फ्लोएम उनके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ट्रू रूट ट्रू स्टेम लीफ वगैरह प्रेजेंट होती है, प्लस कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जो हेट्रोस्पोरिक कंडीशन में होते हैं। ठीक है, वहां पर मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में हमने देखा था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो लंबे समय तक मेन प्लांट बॉडी से अटैच रहता है। ठीक है, जो कि एक तरीके से सीड हैबिट को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो टेरिडोफाइटा में हमें सीड हैबिट देखने को मिली थी, बट सीड अब्सेंट था, 100% सीड अब्सेंट है, 100% फ्रूट अब्सेंट है, किसमें, टेरिडोफाइटा में। अब अपन मूव करते हैं किसके ऊपर, जिम्नोस्पर्म के ऊपर। जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म जो है उसके पास सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या है, सीड जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में सीड प्रेजेंट होगा। देखो, सीड प्रेजेंट होने के लिए, सीड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सीड तभी बनेगा जब आपके पास क्या प्रेजेंट हो, सीड तभी बनेगा जब आपके पास हो ओविल। ठीक है, विदाउट ओविल हम सीड नहीं बना सकते। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में हेट्रोस्पोरिक कंडीशन थी बट वहां पर सीड अब्सेंट था। क्यों अब्सेंट था, क्योंकि ओविल अब्सेंट है, विदाउट ओविल हम सीड बना ही नहीं सकते। तो सीड हैबिट मिलना एक अलग बात होती है, सीड मिलना अलग बात है। तो जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म के पास क्या है, सीड प्रेजेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास ओविल प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप हम 1-to-1 आपको सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के पॉइंट रीड भी करते जाते हैं, प्लस उसके साथ साथ जितने भी पॉइंट है उनको सबको समझाते जाते हैं। ठीक है, डिकोड करते जाते हैं, एक भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो वीक नहीं रहेगा और छूटेगा भी नहीं, छूटना तो बहुत दूर की बात है, वीक तक भी नहीं हो सकता, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो बुक आपको लगाना वो लगा लेना, क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं अपन। तो सीड जो होता है, तो जब जिम्नोस्पर्म आर प्लांट विच ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात है कि एक तरीके से ओवरी एब्सेंट है, तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्रूट
फ्रूट भी क्या होगा, अब्सेंट ही होगा। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो फ्रूट यहाँ पर अब्सेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ओवरी वाल या ओवरी अब्सेंट है, रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओविल देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जिम्नोस्पर्म में। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम अनदर नेम जो है जीरोफिटिक प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट। जनरली क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो ड्राई कंडीशन में या वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन जो होती है वहां पर ज्यादा सर्वाइव करती है। नीचे एनसीईआरटी में पॉइंट में दे भी रखा है कि कहां पर एक तरीके से ग्रो करते हैं, इनकी लीफ वगैरह का अडैप्टेशन किस होता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वन टू वन हर एक पॉइंट को समझाया जाएगा। ठीक है, आप तो बस पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, सीड दैट आर डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन नॉट कवर्ड बाय, है ना, नेकेड रहते हैं, तो डेफिनेटली जिम्नो वर्ड हम वर्ड यूज तो अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में हम इंक्लूड करते हैं किसको, मीडियम साइज ट्री आ जाएंगे या टॉल ट्री एंड श्रब्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो थ्री कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं, मीडियम साइज ट्री आ जाएंगे, इसके साथ साथ जो है वो टॉल ट्री एंड श्रब्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जिम्नोस्पर्म में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हर्ब्स जो होते हैं, हर्ब्स जो है उनको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में टॉल ट्री आ जाएंगे, मीडियम साइज ट्री आ जाएंगे और उसके साथ श्रब आ जाएंगे, क्या नहीं आएंगे, तो हर्ब्स जो होंगे वो एक तरीके से जिम्नोस्पर्म जो होगा उसमें नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी ने, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो क्या है, सिक्वेया होता है, रेड जायंट वुड ट्री होता है ये। ठीक है, तो टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में आता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रूट की, अपन बात करें तो रूट जो होगी वो कैसे होगी, टैप रूट होगी। रूट जो होती है वो किस टाइप की होगी, टैप रूट होगी। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि यदि हम एंजियोस्पर्म से कंपेरिजन करें, थोड़ा सा आगे जाकर के बात करें एंजियोस्पर्म से, तो एंजियोस्पर्म में डाइकोट जो होते हैं उनके पास किस टाइप की रूट होती है, टैप रूट होती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो यहां पर दे रखा है कि जिम्नोस्पर्म के पास कौन सी है, टैप रूट है। ठीक है, इसी तरीके से हम एंजियोस्पर्म से कंपेरिजन करें तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके पास भी टैप रूट होती है, किसमें, डाइकोट में। अब आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं एनालॉजी समझाता हूं कि एंजियोस्पर्म समझते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म के पास आपको पता होगा कि इनके पास जो है टैप रूट प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म के पास डाइकोट जो होता है उसमें टैप रूट होती है। ठीक है, और टैप रूट या एक तरीके से डाइकोट है तो टैप रूट भी है, प्लस इसके साथ साथ इनके पास जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। ठीक है, तो हमने देखा है कि एंजियोस्पर्म में जो डाइकोट होते हैं वो जो है क्या है, एक तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। इसी तरीके से यहां पर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनके पास भी रूट टैप रूट है, एंड डेफिनेटली ये सेकेंडरी ग्रोथ जो होंगे वो क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हुआ, अपन सारे पॉइंट को एड्रेस करते जाते हैं। एनसीईआरटी को तो समझना ही है पूरी तरीके से, प्लस उसके साथ साथ एनसीईआरटी के पॉइंट्स को समझने के लिए कुछ थोड़ा बहुत पेरिफेरी में हमें जाना पड़ेगा, तो जाइए, क्योंकि हमें एनी हाउ कंडीशन 350 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 360। ठीक है, और समय कितना देना है, 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर अंदर हमारा पेपर सॉल्व हो ही जाना चाहिए, तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि 1.5 घंटा मिलेगा आपको फिजिक्स सॉल्व करने का। कितना समय मिलेगा, 1.5 घंटा, 10 मिनट बायोमास बचाइए, प्लस 1 घंटा 20 मिनट जो है वो आपको टाइम मिलेगा एडिशनल, उससे बचाइए, तो 1.5 घंटा आपको फिजिक्स, यदि आपने 1.5 घंटा फिजिक्स दे दिया, मतलब 1.5 आवर यदि फिजिक्स को दे दिया, तो मान के चलना कि आपके कम से कम 120 से 130 नंबर से कम नहीं आएंगे। ठीक है, 120 से 130, मतलब आप किसी भी कंडीशन में जो है वो इस साल 2022 में सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, दो चीजें रहती है, सिलेक्शन उनका होगा जिनका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, प्लस उसके साथ सिलेबस कंप्लीट होना तो फर्स्ट एक तरीके से प्रायोरिटी है या टर्म्स एंड कंडीशन है। देन आफ्टर सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन ये रहती है मेरे भाई लोग, जो हमने देखा है कि आपने 3 आवर्स में या 3 आवर्स एंड 20 मिनट में पेपर कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, आपको सिलेबस डेफिनेटली पूरा आता है, लेकिन यदि आपने पूरा सिलेबस को एक तरीके से 3 घंटे में आप रिकॉल नहीं कर पाए या प्रॉपर पेपर अटेंड नहीं कर पाए तो क्या मतलब, समझ रहे हो? तो इसलिए हमें टाइम लिमिट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर जो भी आप पहले अटेंड करते हो, फिजिक्स अटेंड करते हो, केमिस्ट्री अटेंड करते हो, बायो अटेंड करते हो, जो भी अटेंड करते हो, पर तीनों सब्जेक्ट जो है 3 घंटे 20 मिनट, मतलब एक तरीके से 200 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके से, यदि आपकी स्ट्रेटजी है कि आपने डेफिनेटली 3 आवर्स में, मतलब
200 मिनट में यदि आपने पूरे 180 क्वेश्चन प्रॉपर अटेंड कर दिए तो मानो चैनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी स्पीड मेंटेन रहे, एक्यूरेसी मेंटेन रहे, मतलब फुल मार्क्स आ जाए, इसके लिए हमें एनसीईआरटी को 100% पढ़ना है, प्लस कुछ एक पॉइंट, बहुत छोटे से लिटिल बिट पॉइंट होते हैं जो कि जैसे मान लो कि सेकंड ग्रोथ प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, ये यहाँ पर प्लांट में नहीं दे रखा है, लेकिन यदि आपको पता होगा एनाटोमी में सबसे लास्ट पेज जो है जहां पर डायग्राम वगैरह बने सेकेंडरी ग्रोथ के, उसमें बिल्कुल बॉटम पर दे रखा है। तो इसलिए क्या होता है कि अब एग्जाम में तो ऐसे थोड़े वो हेडिंग डाल के थोड़ा ना देंगे कि अब हम टेरिडोफाइटा पूछ रहे हैं या जिम्नोस्पर्म से पूछ रहे हैं या प्लांटिनम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन आफ्टर अब हम स्विच कर रहे हैं किसके ऊपर, एनाटॉमिक तरफ। तो ऐसा मजाक नहीं चलता, वहां पर क्या होगा 38 चैप्टर से क्यूमुलेटिव क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें आपको एक तरीके से परफॉर्मेंस करना है। तो हम आपकी हेल्प करते हैं कि 38 चैप्टर कोई जितना उसका रिलेशन, जैसे प्लांट किंगडम का किस किस चैप्टर से रिलेशन है, सारे चैप्टर को भी अपन एक तरीके से मर्ज कर देते हैं। देखो थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, आप बच्चे नहीं है, समझ रहे ना, आप बच्चा नहीं है, तो नीट की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनना है, तो मेरे भाई लोग आपको यही टेस्ट कर रहे हैं कि आप डॉक्टर बनने लायक हो या नहीं हो। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है हाँ डेफिनेटली हम लायक है, हम 10 चीजों के साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रूट कौन सी इनके पास, टैप रूट है, तो सीधी सी बात है कि ये बहुत हद तक जो है वो सेकंड ग्रोथ शो करेंगे, तो जो कि जनरली जिम्नोस्पर्म जो है सेकंड ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट, रूट इन सम जेनरा हैव फंगल रिलेशनशिप्स। अब देखो यहाँ पर आ गया है, एक है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है माइक्रोएल्गा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, है ना, 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे एसोसिएशन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हटाते हैं अपन और नेक्स्ट अपन बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। चलिए देख लीजिए आप लोग, तो आपको बहुत ईजिली जो है ये समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर देखना, जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म के टू पॉइंट प्लांट होते हैं, कौन कौन से आपको बहुत अच्छे से पता है, कौन से, साइकस एंड पाइलस। ठीक है, साइकस एंड पाइलस, जिम्नोस्पर्म के पास टू प्लांट है, साइकस एंड पाइलस। अब आपने देखा होगा एक प्लांट जो होता है वो फंगस के साथ सिंबायोटिक एसोसिएशन बनाता है और दूसरा प्लांट जो है वो किसके साथ सिंबायोटिक एसोसिएशन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ। ठीक है, साइकस पाइनस इसमें कोई डाउट नहीं होगा, डेफिनेटली आप कभी भी नींद में उठ करके भी पूछेंगे कि आपसे बताइए कि जिम्नोस्पर्म में किस टाइप के प्लांट होते हैं, तो दो कॉमन नाम याद हो जाते हैं, कौन से, साइकस एंड पाइनस, यही हमने लिखे। तो जिम्नोस्पर्म के पास टू प्लांट होते हैं मेनली, साइकस एंड पाइनस। एक्चुअली में क्या होता है कि ये दोनों फैशन में क्यों चलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म की दो एक तरीके से क्या होंगे, क्लास होंगे, साइकेटोफाइटा जिसमें साइकस आता है, कोनीफेरोफाइटा जिसमें आपने बहुत कॉमन वर्ड यूज करा होगा, कोनीफर्स। तो एक्चुअल में बेटा कोनीफेरोफाइटा में जो मेनली क्या आता है, पाइनस आता है। ठीक है, कोनीफेरोफाइटा में कोनीफर्स या कोनीफेरल से गोल्डन होता है, उसमें पाइनस आता है, तो ये बहुत कॉमन है, इसलिए साइकस एंड पाइनस होगा। ठीक है, तब अपन देखते हैं फंगल एसोसिएशन, ये जहां पर रूट्स इन सम जनरा है फंगल एसोसिएशन, तो कुछ भी याद नहीं करना, कैसे याद नहीं करना, अभी कभी जो जब हमें कंपेरिजन वाली चीजें आती है ना, दो में से एक चीज को याद करना, जिन बातों में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं उसी का हमें बेनिफिट उठाना है। ठीक है, और विदाउट एनी डाउट आपका आंसर आ जाएगा, साइकस एंड पाइनस। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, तो साइकस जो होता है उसके पास रूट कौन सी होती है, तो साइकस के पास जो रूट है वो कौन सी, कैरोलॉइड रूट है, ठीक है, तो साइकस के पास जो है, ठीक है, साइकस के पास कौन सी रूट है, कैरोलॉइड रूट है, और ये सिंबायोटिक एसोसिएशन बनाता है किसके साथ में, साइनोबैक्टीरिया, क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो अब यहां पर एक तरीके से आपको वर्ड याद रखना है ना, जो वर्ड याद करना है आपको, जिस पे काम करना है वो क्या है, सी फॉर साइकस, सी फॉर कैरोलॉइड रूट, साइकस के पास कैरोलॉइड रूट है जो कि सी फॉर साइनोबैक्टीरिया से सिंबायोटिक एसोसिएशन बनाता है, बस कुछ भी नहीं करना आपको, सी सी सी, है ना, सी सी सी, एक तरीके से ट्रिपल सी वर्ड याद रखना है, सी सी सी। ठीक है, सी फॉर साइकस, साइकस की रूट कैरोलॉइड रूट और साइनोबैक्टीरिया के साथ सिंबायोटिक एसोसिएशन बनाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली साइनोबैक्टीरिया या साइकस एक दूसरे के साथ एंगेज है, बच्चा कौन सा, पाइनस, बच्चा कौन सा, फंगस, डेफिनेटली सिंबायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे, माइक्रोएल्गा बनेंगे। देखो क्या होता है कि कॉमन सेंस यूज करना है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यार इसको याद करना बहुत मुश्किल काम है, हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं सर यहाँ पर कंफ्यूजन होता, कतई कंफ्यूजन नहीं होता, सिर्फ ट्रिपल सी याद रखना तो मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल काम, ये तो हमें पता ही है ना कि साइकस पाइनस दो ग्रुप होते हैं।
ठीक है। तो साइकस के पास केरलोइड रूट है, केरलोइड रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनेगा, कौन साइनोबैक्टीरिया बनाएगा, और वो क्या करेंगे फर्दर फंक्शन लिख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होगा वो क्या करेगा, क्या काम करेगा, डेफिनेटली एक ही काम करेगा, एन टू फिक्सेशन। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया की केरलोइड रूट के साथ साइकस की केरलोइड रूट के साथ में साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा, और साइनोबैक्टीरिया बदले में प्लांट को क्या देगा, नाइट्रोजन देगा, और प्लांट बदले में साइनोबैक्टीरिया क्या देगा, खाना देगा। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, वो खाना बना सकता है ना, और तो उसको मल्टीपल तरीके के तरीके से प्लांट को सपोर्ट मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन पाइनस की। तो बच्चा कौन सा पाइनस, पाइनस जो होता है वो एक तरीके से फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, और नाम क्या देंगे अपन, माइकोराइजा। ठीक है, क्या है नाम जो देंगे वो क्या देंगे, माइकोराइजा देंगे। ठीक है, तो माइकोराइजा क्या होता है बेटा, पाइनस और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, फंगस और एक तरीके से पाइनस का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है या दोनों का रिलेशन होता है उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। अब यहां पर पॉइंट आता है कि डेफिनेटली फंगस पाइनस के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि फंगस खाना नहीं बना सकता, तो वो वाटर के लिए एक तरीके से फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, पाइनस के लिए। लेकिन पाइनस फंगस के ऊपर क्यों डिपेंड है, मेन इशू ये बनता है कि पाइनस जो होता है वो फंगस के ऊपर क्यों डिपेंड है, पाइनस को क्या चाहिए इससे, किससे, फंगस से, मतलब कि एक तरीके से। तो होता क्या है कि जो पाइनस होता है इसके पास रूट हेयर या तो क्या है अब्सेंट है या लेस डेवलप है। अब आप समझ गए होंगे पॉइंट्स को कि जो प्लांट जो होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए हर एक प्लांट को रूट के साथ में रूट के ऊपर क्या चाहिए, रूट हेयर चाहिए। अब हमारे पाइनस के पास ना तो मतलब रूट हेयर या तो अब्सेंट है या लेस डेवलप है, तो डेफिनेटली वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अपनी लाइफ तो जीना पड़ेगी ना उसे। तो क्या होता है कि पाइनस जो होता है फंगस के साथ फ्रेंडशिप करता है, क्योंकि उसे पता है कि फंगस जो होती खाना नहीं बना सकती है। ठीक है, उसका अपना एक आलस है ना, तो पाइनस क्या करेगा, फंगस के आलस का बेनिफिट उठाएगा। ठीक है, तो पाइनस फंगस को बोलेगा चलो फूड हमसे ले लीजिए, बदले में आप एक काम करिए पानी ढूंढ करके ले आइए। ये इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो मेन जो दोनों की दिक्कत है, फंगस खाना नहीं बना सकती है और प्लांट जो है पाइनस जो है वो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता, तो दोनों मेन इनके बेनिफिट रहते हैं। अब इसके फिर मल्टीपल बेनिफिट हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल बेनिफिट किस तरीके से होता है, तो माइकोराइजा जो होता है ना, माइकोराइजा जो है, ठीक है, अब यहां पर जो बेनिफिट दिखा देंगे वो इसके साथ साथ जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, प्लांट के लिए पाइनस के लिए बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, वो एक तरीके से क्या प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि फंगस, फंगस को हिंदी में बोलते फफूंद। ठीक है, और हर इंसान जिंदगी में चाहता है कि फफूंद उससे दूर ही रहे। ठीक है, तो आप सोचो कि पाइनस ने तो खुद ने फफूंद पाल रखी है, समझ रहे बात को, पाइनस ने तो खुद फफूंद पाल रखी है। अब जिसने फफूंद पाल रखी था, आप जानते होंगे ना कि कोई उसके आसपास आएगा क्या, कोई भी माइक्रोब्स वगैरह ग्रो करेंगे क्या? अब माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि फफूंद फंगस जो उसको छोड़ेगा थोड़ा, तो इसलिए क्या होगा कि ये एक तरीके से इंसेक्ट या फिर एक तरीके से माइक्रोब से बचा रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से इसको क्या होगा, इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट मिलेगा, एक तरीके से प्रिकॉशन मिलेगा किसको, पाइनस को। मेन क्या जरूरत है पाइनस को, वाटर और मिनरल्स किससे चाहिए, फंगस से, प्लस कुछ एडिशनल बेनिफिट कि वो एक तरीके से क्या करेगा है ना, इन्फेक्शन वगैरह से बचाएगा। नेक्स्ट, अब आपको पता ही होगा कि फंगस जो होता फैलता बहुत है, बहुत खतरनाक स्प्रेडिंग पावर है। तो क्या होता है कि जो एक तरीके से माइक्रोराइजा जो होता है वो एक तरीके से ड्रॉट मतलब सूखे वगैरह से बचाने काम करता है, क्योंकि दूर दूर तक फैल जाता है और कहीं से भी पानी लेकर के आएगा और पाइनस को देगा। क्यों पानी देना पड़ेगा, क्योंकि इसको पता है कि यदि हमने पाइनस को पानी नहीं दिया तो पाइनस इसको बदले में खाना नहीं देगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बातचीत करते कि बेटा तू नहीं देगा मेरे को खाना तो मतलब पानी नहीं देगा तो मैं तेरे को खाना नहीं, ऐसा बात नहीं करते। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि दोनों को जिंदगी जीना है तो साथ साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ में, बदले में पाइनस जो होता है फंगस को क्या दे देता है, खाना देता है। तो अब मुझे लगता है कि आपको जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द साइकस एंड साइनोबैक्टीरिया एज वेल एज पाइनस एंड फंजाई, जो आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं याद करना, तीन वर्ड याद करना जिसका नाम है सीसीसी, साइकस, केरलोइड रूट और साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइकस, केरलोइड रूट,
क्या काम करेगा? नाइट्रोजन फिक्स करेगा। बच्चा कौन सा? पाइलस। बच्ची कौन सी? फंगस। दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे और उस सिस्टम का नाम जो रहेगा माइक्रोराइजा रहेगा। ठीक है, फंगस इसको वाइटामिन देगा पाइनस को, और पाइनस जो फंगस क्या देगा? खाना देगा। बस ये सिंपल सी बात है मेरे भाई लोग, इतने में मतलब ये मान के चलना कि यदि ये क्वेश्चन आपने विदाउट टाइम वेस्ट किए यदि सोल्व कर दिया तो ये मान के चलना कि बहुत आगे हो गए, क्योंकि बेस्ट बच्चा तो क्वेश्चन सही नहीं कर पाते, सही कर भी देते तो बहुत कंफ्यूजन और टाइम के साथ करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा वो खुद अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों का ये पॉइंट बहुत हद तक शायद क्लियर हो गया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं रूट इन सम जनरा। ठीक है, रूट इन सम जनरा जैसे फंगल एसोसिएशन फ्रॉम माइक्रोराइजा किसके साथ बनाता है? पाइनस के साथ। इसके साथ साथ जो है साइकस जो होता है वो सिम्बायोटिक रूल रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ में? साइनोबैक्टेरिया। किसके साथ में? साइनोबैक्टेरिया। साइनोबैक्टेरिया में भी यदि स्पेशल नाम की बात करें तो एजोला आ जाएगा। ओ माफ करना, एनाबिना आ जाएगा। एजोला तो टेरिडोफाइट होता है, एनाबिना। एनाबिना साइकेडी एक स्पीसीज होती है, ठीक है, जो कि साइकस के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगी। तो यदि वो कोई स्पेशल काम पूछे, जैसे ऑटोमेंशन के तो अलग चांस कम है, लेकिन फिर भी यदि पूछे तो एनाबिना साइकेडी उसकी एक स्पेशल स्पीसीज आएगी। तो सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। थोड़ा सा इसको क्लीन करके ना आपको प्रॉपर तरीके से हर तरीके की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो और वापस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वापस से उसको करते हैं। तो समझे ना, जैसे कि फंगस, फंगस जो होती है वो माइक्रोराइजा बनाती है, या फिर एक तरीके से उस एसोसिएशन का नाम माइक्रोराइजा होता है, जो कि किसके साथ रिलेशन बनाता है? पाइनस के साथ में। क्लियर कर समझ आएगा। इसी तरीके से हम बात करें, ठीक है, तो साइकस की एक तरीके से कैरोलॉइड रूट जो है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम जो है ब्रांच है या अनब्रांच है? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अनब्रांच प्रेजेंट इन, अनब्रांच जो स्टेम होता है वो साइकस में मिलेगा, और ब्रांच जो है वो पाइनस और सिट्रस। और ध्यान देना यहाँ पर सिट्रस है, वो ना नींबू लिख करके मत आ जाना, है ना, सिट्रस नहीं है, नॉट सी आई टी, सिट्रस मतलब एक तरीके से नींबू नहीं है। हो तो ये मत करके आ जाना, नहीं तो मालूम पड़ेगा तुम्हें ना, क्योंकि क्या होता है कि नींद में ही काम चलता है सर। ठीक है, ये सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, अरे पढ़ना पड़ेगा भाई, तुम्हारे लिए एग्जाम रखी है, किसी और के लिए नहीं रखी है। ठीक है, तो फॉर्म तुमने भरा तो एग्जाम भी तुम्हारे पे देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना मेरे भाई लोग, है ना, अनब्रांच साइकस एंड ब्रांच पाइलस, इसको कैसे याद रखना है बताता हूँ अभी, हर चीज बताई जाए, चिंता मत करना। ठीक है, तो अनब्रांच कौन सा है? साइकस है, और ब्रांच में कौन है? पाइनस एंड सिट्रस। तो मेरे को डर ये लगता है कि यहाँ पर ये सिट्रस है, और वो यदि एग्जामिनर ने दे दिया सिट्रस, नींबू लिख करके दे दिया, आप तो खुशी खुशी लगा के आ जाओगे, फिर बाद में देखोगे कि यार क्वेश्चन लगते हुए तब पता चलता है कि हमने तो गलत टिक कर दिया। तो साइकस जो है वो अनब्रांच है, और पाइनस जो है ब्रांच है, उसके साथ सिट्रस है। अब ये इनको इनके जो फोटो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उस डायग्राम से समझते हैं तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं, ये देखो, ठीक है, ये फर्स्ट वाला डायग्राम जो है वो क्या है? साइकस। क्या है? साइकस। और दूसरा जो है पाइनस। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर साइकस जो ऑलमोस्ट ये है एक तरीके से जो है जमीन के आसपास ही, बहुत ज्यादा एक आध डेढ़ दो फीट के आसपास इसका हाइट होगी, तीन फीट मान लेते हैं, नापे मत बैठ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि एक कॉमन पॉइंट से सारी उसके एक तरीके से पार्ट निकल रहे हैं। तो ये ब्रांच दिख रहा है क्या? नहीं, एक कॉमन पॉइंट से सारे पॉइंट ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये साइकस के अनब्रांच है। जबकि आप पाइनस देखेंगे तो इसके अंदर ये ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ये देख लीजिए यहाँ पर ये ब्रांच दिखाई दे रही है, ये एक ब्रांच इधर जा रही है, ये यहाँ पर जा रही है। तो आपने देखा होगा ब्रांचेस जो खूब सारे दिखाई दे रहे हैं। तो डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि साइकस जो है वन ब्रांच है, जबकि पाइनस जो है वो क्या है? ब्रांच है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ सिट्रस ऐड कर देना अपने को, ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ में आया नहीं आया देख लेना मेरे भाई लोग, समझ जाना, क्योंकि क्या होता है कि मैं प्लांट किंगडम पढ़ा पढ़ा के थक जाता हूँ, बच्चों को कभी समझ में आता नहीं है, है ना, समझ में इसलिए नहीं आता, मतलब मेजोरिटी मेरा पढ़ाने के बाद तो आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, पर वो क्या आता है कि वो उसी में उलझे रहते हैं। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनते नहीं है। ठीक है, तो हमारे पढ़ाने के बाद तो मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं, समझ में आ जाता है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी काम हो जाए, जिनको मैंने पढ़ा दिया है ऑफलाइन उनका तो काम हो चुका है, अब ऑनलाइन में भी आपका काम हो जाए, क्योंकि आप दूर दूर तक बैठे हुए। चलिए तो देखते हैं, तो अनब्रांच में कौन आएगा? साइकस, और कैसे आइडेंटिफाई करना है इनको डायग्राम के थ्रू, और ब्रांच में कौन आएगा? पाइनस। ठीक है, लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है वो किस टाइप की होगी? तो पत्ती जो है यहाँ पर इनके पास, सीधी सी बात है कि सिंपल भी हो सकती है कंपाउंड। तो सिंपल और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस है मॉर्फोलॉजी में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। सिंपल लीफ उसको बोलते हैं जब लेमिना, लेमिना में मिडरिप होती है,
तो यदि एक तरीके से इंसिजर या कट जो है मिड रिप तक पहुंच पाता है तो उसको कंपाउंड लिप बोलते हैं, और यदि नहीं पहुंच पाता तो उसको बोलेंगे सिंपल लिप। देखो ये सिंपल लिप है, मतलब ये लेमिना है, ठीक है। यदि इसमें डिफरेंशिएशन मिल जाए तो ये क्या हो गया, कंपाउंड लिप, ये लिफलेट्स हो गए, ठीक है। और यदि ये एक साथ ही रहती है ऑलमोस्ट तो इसको बोलेंगे अपन सिंपल लिप। तो ये पता ही होगा, आप लोगों को नहीं पता तो फिर बता देंगे, ठीक है। अब साइकस में पिनेटली लीव जो होती है वो परसिस्ट फ्यू ईयर कुछ समय के लिए, यही क्या होता है कि साइकस जो होता है उसमें पिनेटली होती है, ठीक है। तो पिनेट लिप, पामेट लिप जो होती है, कंपाउंड लिप के एग्जांपल होते हैं जो कि आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अपन मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइकस जो होता है उसके पास पिनेट लिप जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है। आगे लिव्स इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, आगे देखेंगे अपन। लिव्स इन जिम्नोस्पर्म वेर अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, इसके साथ ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। तो एक तरीके से आपको पहले ही हमने जब स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनको जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। कैसे, जनरली ये थोड़ा सा ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है, ड्राई कंडीशन जहां पर प्रॉपर तरीके से वाटर वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में भी एक तरीके से जिम्नोस्पर्म सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि कर सकते ना, देख लीजिए ना इनके पत्ते, देख लीजिए। मेन अडेप्टेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर स्ट्रेस कम से कम रहे। तो आपने देखा होगा ना कि पत्तियां जो होती है दोनों की लीव्स जो होती है वो एक तरीके से वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के फेवर में ज्यादा होती है। स्पेशली अपन देखे पाइनस की लीव्स, तो आप देखेंगे बिल्कुल नीडल लाइक होती है या बहुत पतली होती है, तो ये वर्ड लिखा हुआ भी है, ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कॉनिफर्स, कॉनिफर्स मतलब कि वही आ जाता वर्ड, कॉनिफर्स का मतलब मेरे दोस्तों जो है वही आ जाएगा निकल करके पाइनस, ठीक है। कॉनिफर्स मतलब कि पाइनस। तो इनकी लीव्स जो होती है उन नीडल लाइक होती है, रिड्यूस द सरफेस एरिया, जो अभी बताया आप लोगों को कि सरफेस एरिया जो है बहुत कम रहना चाहिए, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितना कम रहता है वो क्या होता है कि लीव्स जो होती है, लीव्स वाटर को लॉस कर देती है, एक तरीके वाटर जो होती है वो एक तरीके से इवेपोरेट होता है लीव्स से, क्योंकि लीव्स के पास क्या, पत्ती के पास क्या है, स्टोमेटा है। अब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा पत्ती का साइज बड़ा रहेगा उतना ज्यादा स्टोमेटा रहेगा, जितना ज्यादा स्टोमेटा रहेगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा। हम क्या करते हैं, पत्ती को छोटा कर देते हैं, लीफ को छोटा कर दिया, तो सीधी बात है उसमें नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा डिक्रीज हो जाएंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पता ही होगा तुम लोगों को, सरफेस एरिया रिड्यूस सरफेस एरिया। इसके साथ साथ है ना, थिक क्यूटिकल संकर स्ट्रोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, देखो क्या होता है कि पत्ती की वैसे ही अपन ने क्या करते हैं उसको मिलते हैं, ठीक है, ये एक स्टेम है और यहां से क्या बनी है अपने पास लीव्स, लीव्स जो है वो ऑलमोस्ट क्या है नीडल लाइक है, ठीक है, समझना। अब ओवरऑल लीफ का सरफेस एरिया कम हो गया, क्योंकि आप जैसे मान लो कि एक लीफ बनाई है, ठीक है, और पीपल का पत्ता मान लीजिए, तो डेफिनेटली इस लीव्स का सरफेस एरिया क्या होगा, हाई होगा। अब सरफेस एरिया हाई है तो स्टोमेटा नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या होगा, हाई होगा, तो एक तरीके से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो ये प्लांट जो है वाटर स्ट्रेस से जिस लोकेशन पर जगह पर पानी कम है वहां ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सीधी बात, हमने क्या करा कि पत्ती को पहले से पतला कर दिया, पत्ती को क्या कर दिया, पतला कर दिया, जिससे कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम कम हो जाएगा, कम सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। अब सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो स्टोमेटा का नंबर भी कम होगा, और स्टोमेटा का नंबर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये प्लांट जो होगा इजीली सर्वाइव कर जाएगा किसमें, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, जो कि हमें फाइनेंस में दिख रहा है। प्लस इसके साथ साथ मेरे भाई लोग और देखो, प्लस इसके साथ साथ क्या हुआ है कि अब यहां पर लिखा होगा, देखना, ठीक है, लिखा हुआ है कि क्यूटिकल थिक है। अब सीधी सी बात है कि लीव्स के ऊपर जो क्यूटिकल होती है उसकी थिकनेस बहुत बढ़ा दी आपने, क्या कर दिया, थिकनेस बढ़ा दी। तो अब यहाँ थिकनेस बढ़ गई तो जो स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट है उसके ऊपर डायरेक्ट लाइट पेनिट्रेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अब नहीं कर पाएगी तो सीधी सी बात है रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। प्लस उसके साथ साथ अपन देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है कि क्यूटिकल की थिकनेस ज्यादा है, क्यूटिकल की थिकनेस ज्यादा है तो स्टोमेटा दब चुके उसी को संकर बोल दिया। अब ये देखो क्या होता है कि सब लिखा हुआ वर्ड जो होता है ना वो एक बार यदि रुक करके समझ लेना कि क्यों लिखा है तो आपको जिंदगी में दूसरी बार कभी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और यदि आपने वाकई ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया ना तो वाकई जिंदगी में कभी एनसीईआरटी उठाना भी नहीं पड़ेगी, 17 तारीख के बाद कभी एनसीईआरटी भूल जाना कि एनसीईआरटी थी जिंदगी,
पर उसके लिए पहले 3 महीना आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। यदि 3 महीने आपने प्रॉपर काम कर लिया तो फिर 17 तारीख के बाद तो मजे, 17 की बात तो खूब मजे, ठीक है। पर मजे बेटा तभी है जब आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से पढ़ तो आप रहे हो। देखो पढ़ना अलग बात है और कंसेप्ट क्लियर होना अलग बात है। एनसीईआरटी 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे बात को, कितने पढ़ रहे हैं? 15 लाख, सब पढ़ रहे हैं, है ना, सब पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन में भी सब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में भी सब पढ़ा रहे हो, तुम भी दबा करके एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन आपको पता है कि जब टेस्ट देने जाते हो तो आपके कितने नंबर आते हैं? आपके इतने ज्यादा नंबर आते हैं कि आप कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करने को तैयार नहीं रहते कि मेरे इतने नंबर आए हैं यार इस बार, है ना। क्योंकि आप आपने यदि किसी को बता दिया तो फिर सीधी सी बात है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप किसी को नंबर नहीं बताते क्योंकि आप नंबर आते इतने कम में, मेरा मतलब हो रहा ये है, तुम समझो कुछ और। तो इसलिए अपन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर तभी आएंगे मेरे भाई लोग जब हमारा हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का क्लियर होगा और याद रहेगा। खाली पढ़ना नहीं, याद भी करना है। तो कैसे याद करना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होगा बेटा? संकर होंगे। आगे बात करते हैं, है ना। द जिम्नोस्पर्म आर हेटरोस्पोरस, ऑल जिम्नोस्पर्म, ठीक है। नॉट ओनली जो है बेटा, मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन जितने भी जिम्नोस्पर्म होते सब हेटरोस्पोरस, ठीक है। पूरा जिम्नोस्पर्म हेटरोस्पोरस होगा, पूरा जिम्नोस्पर्म हेटरोस्पोरस होगा बेटा, पूरा एंजियोस्पर्म हेटरोस्पोरस होगा। सीड तभी बनेगा जब हेटरोस्पोरिक कंडीशन हो, मतलब कि ऑल हेटरोस्पोरस आर सीडेड प्लांट, गलत है, बट ऑल सीडेड प्लांट आर हेटरोस्पोरस, ये सही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि टेरिडोफाइटा के चार ग्रुप, क्या नाम उनका, मार्सिलिया, एजोला, सिंजिला, साल्विनिया, है ना, सॉरी साल्विया, मार्सिलिया, एजोला, सिंजिला, साल्विनिया, ये चार जो होते हैं बेटा उनके पास कौन सी कंडीशन होती है? हेटरोस्पोरिक कंडीशन होती है, लेकिन सीड अब्सेंट होता है, सीड हैबिट होती है, सीड अब्सेंट होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो यहां पर जो है पूरी तरीके से जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हेटरोस्पोरस होता है और जिम्नोस्पर्म के पास सीड होता है, प्लस एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो सीड भी होगा प्लस फ्रूट भी होगा, ठीक है। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं ऑल जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो द जिम्नोस्पर्म आर हेटरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लोइड, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो यहां हैप्लोइड वर्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्पोर ऑलवेज हैप्लोइड, क्या याद रखना है, स्पोर ऑलवेज हैप्लोइड, ठीक है। चलिए तो ये हटा देते हैं और अपन आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं मेरे भाई लोग, ठीक है। आपको एक एक वर्ड बहुत क्लियरिटी के साथ समझना है, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के देखो कुछ जुगाड़ होगा आपका एग्जाम में। आप जानते हैं कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब जाकर के ना सीट मिलती है, आपने अपने दोस्तों वगैरह को देखा होगा जो सिलेक्ट हुए उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर हैप्लोइड लिखना कोई नई बात नहीं है, मतलब लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं गलत है, वो सही है, बट स्पोर ऑलवेज हैप्लोइड, चाहे वो मेगास्पोर हो, माइक्रोस्पोर हो या फिर एक तरीके से होमोस्पोरिक कंडीशन वाला स्पोर हो, तो स्पोर ऑलवेज क्या होंगे, हैप्लोइड होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, ठीक है। जो स्पोरेंजिया होता है तो थोड़ा सा आप ब्रायोफाइटिक लाइफ साइकिल रिकॉल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो स्पोरेंजिया जो होते हैं उसके पास टू टाइप के क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं ना, बोर्न ऑन स्पोरोफाइलस विच अरेंज इन द, मतलब एक तरीके से क्या होगा कि स्ट्रोबिली या फिर एक तरीके से कॉर्न जो होंगे उसके पास, देखो सिंपल बात ये इस तरीके से जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में क्या होंगे बेटा, स्ट्रोबिली या कोन, शॉर्ट में बता रहा हूँ मतलब आप समझ जा रहा, जिम्नोस्पर्म उसके पास स्ट्रोबिली या कोन है। स्ट्रोबिली या कोन जो है ये बने किससे, मेगा, अपन जिम्नोस्पर्म को कौन सा मेल मान लेते हैं, मेल जिम्नोस्पर्म, ठीक है। मेल जिम्नोस्पर्म के पास क्या होगा, मेल स्ट्रोबिली या कोन होगी, मेल स्ट्रोबिली के पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफाइलस, क्या होगा, स्पोरोफाइलस। अब स्पोरोफाइलस किसका, मेल का, उसको मेल में हमेशा वर्ड गरीब मानते ना आदमी को, तो माइक्रोस्पोरोफाइलस होगा क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफाइलस, बस प्रीफिक्स लगाते हैं माइक्रोस्पोरोफाइलस। स्पोरोफाइलस के पास क्या होता है, स्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरोफाइलस के पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब स्पोरेंजिया के पास क्या है, स्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगी, ठीक है। स्पोर मदर सेल से क्या बनता है, स्पोर बनेगा, तो माइक्रोस्पोर बन जाएगा, यही तो लिखा है, क्या है, यही तो लिखा है, ठीक है। क्या है, मेल जिम्नोस्पर्म में उसके पास स्पोरबिली कौन है, जो कि क्या है, माइक्रोस्पोरोफाइलस, माइक्रोस्पोरोफाइलस तो सीधी बात माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के पास क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनी है, माइक्रोस्पोर बनी, अरे सब सिंपल है यार, ठीक है। माइक्रोस्पोर, अब मदर सेल जो कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 2n, ठीक है। तो बेटा जिम्नोस्पर्म या स्पोरोफाइट से लेकर के स्पोर मदर सेल तक सब क्या है, 2n है, और स्पोर ऑलवेज हैप्लोइड। तो कौन सा डिविजन बना हुआ, डेफिनेटली रिडक्शन डिविजन, कौन सा डिविजन हुआ होगा मेरे भाई लोग, कौन सा डिविजन हुआ होगा, रिडक्शन डिविजन, कौन सा डिविजन हुआ, रिडक्शन डिविजन हुआ, स्पोर बन गया। थोड़ा इसको आगे समझते, इधर एनसीईआरटी से इसको 1-to-1 कंपटीशन करते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कि कैसे क्या इसको
रखना है, नहीं समझ रहा है, चलिए तो देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरिंजिया, दैट आर बोनोन स्पोर ऑफ फाइटस व्हिच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलिया कॉन्स। कुछ भी मत याद करना, ये जो बता हुआ याद कर लेना। जिम्नोस्पर्म के पास, मेल जिम्नोस्पर्म के पास स्ट्रोबिलिया कॉन होगी, मेल वाली जो स्पोरोफाइटस से बनी हुई होती है उसके पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरिंजिया होगा, माइक्रोस्पोर बनेगी। ये देखो आगे लिखा हुआ स्ट्रॉबेरी बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफाइटस एंड माइक्रोस्पोरिंजिया। ठीक है, क्या है माइक्रोस्पोरिंजिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफाइटस और माइक्रोस्पोरिंजिया, माइक्रोस्पोरिंजिया मेल स्ट्रॉबेरी बोलते थे। ठीक है, ये अपने पढ़ लिया। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू ए मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, 2015 कैंसिल का मेरा क्वेश्चन आया था, मैं गलत करके आया था। ठीक है, तो गलत करके आज मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने। ठीक है, तो आपको देखना है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेरे भाई लोग कि ये माइक्रोस्पोर, अब माइक्रोस्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, हाईली रिड्यूस मेल क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, माइक्रोस्पोर जनरेट होकर क्या बनेगा, द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस। मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या होता है, हाईली रिड्यूस एंड कन्फाइंड टू द ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। ठीक है, मतलब यहां पर जो हाईली रिड्यूस से मतलब होता है नंबर ऑफ सेल से। ठीक है, और उसका मेल गैमेटोफाइट का, हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट का एक नाम होगा मेरे भाई, जिसका नाम मैं दे देता हूं आपको, क्या नाम देना बताओ, नाम होगा मेरे दोस्तों POLLEN, पोलेन ग्रेन। ठीक है, यहां पर क्या है, मेल गैमेटोफाइट वर्ड में कौन आ गया है, पोलेन ग्रेन आ गया है। ठीक है, टेरिडोफाइट आता है, हम यहां पर क्या पढ़ रहे थे, एंथ्रिडिया पढ़ रहे थे, क्या वर्ड यूज कर रहे थे, एंथ्रिडिया। अब यहां पर जिम्नोस्पर्म की जब बात करें तो एंथ्रिडिया रिप्लेस हो चुका है किससे, पोलेन ग्रेन से। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट जिसका नाम होगा पोलेन ग्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट को अपन क्या बोलेंगे, पोलेन ग्रेन। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जिम्नोस्पर्म में क्लियर कट लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट। ठीक है, उसका नाम भी दे दिया क्या, पोलेन ग्रेन। बट 2015 कैंसिल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर पाइनस ना होते हुए उसका आंसर जो था वो लिलियम, लिलियम मतलब लिलिया से एंजियोस्पर्म। मतलब कहने का मतलब यह है कि इन्होंने यहां लिख रखा है हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट। ठीक है, पोलेन ग्रेन जिसका नाम है वो अप टू ब्रायोफाइटा, मतलब ब्रायोफाइटा सॉरी अप टू जिम्नोस्पर्म है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन तीनों ग्रुप की कंपेरिजन करें तो सबसे गरीब टाइप का, सबसे रिड्यूस यदि मेल गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट है तो किसके पास होता है, जिम्नोस्पर्म के पास होता है। बट यदि हम इस पूरी सीरीज में इंक्लूड कर लेते हैं किसको, एंजियोस्पर्म को, तो अब हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो 2015 कैंसर एग्जाम का एक क्वेश्चन था, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन देखना तो उसका आंसर लिलियम मिल जाएगा। ठीक है, तो लगातार प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया बेटा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने क्या गलती करी है, क्या गलती जनरली स्टूडेंट करते हैं जिससे कि जो है थोड़ा सा एग्जाम में आपको जो है लॉस उठाना पड़ता है या नंबर थोड़े से मैनेज हो जाते हैं। चलिए, तो आपको यह पॉइंट समझ में आ गया था कि मेल रिड्यूस जो होता है सॉरी हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट जो होगा वो कौन होगा, पोलेन ग्रेन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ पोलेन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरिंजिया। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ, विद इन द माइक्रोस्पोरिंजिया, मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर हम एड कर देते हैं जो वर्ड एड करना चाहता हूं मैं, देख लीजिए आप लोग, है ना, वो आ जाएगा मेल प्लांट बॉडी। कहने का मतलब यह है कि अब यहां पर कौन सी कंडीशन आ गई, हेट्रोस्पोरी। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, वीडियो देखा होगा टेरिडोफाइटा का, तो उसमें हमने क्लियर कट एक दो कैटेगरी बनाई थी, होमोस्पोरिक कंडीशन एंड हेट्रोस्पोरिक कंडीशन। होमोस्पोरिक कंडीशन में गेमिटोफाइट जो होता है या फिर एक तरीके से स्पोर जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, एक तरीके से सर्वाइव करते हैं। जब भी हेट्रोस्पोरिक कंडीशन होगी चाहे वो टेरिडोफाइटा के मार्सिलिया एजोला सिलिजिला साल्विया में हो या फिर पूरा जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरिक होता है, पूरा एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरिक कंडीशन होता है, इन सब हेट्रोस्पोरिक कंडीशन में जो गैमेटोफाइट होता है चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट, चाहे माइक्रोस्पोर हो या मेगास्पोर हो, सबके सब मेन प्लांट बॉडी से जुड़े हुए होंगे।
सबके सब मेन प्लांट बॉडीज क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी एक्सेप्शन या डाउट आपको हेटरोस्पोरिक कंडीशन में गेमिटोफाइट को इंडिपेंडेंट नहीं मानना है। या फिर एक तरीके से जब भी हेटरोस्पोरिक कंडीशन होगी, गेमिटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट डिपेंड ऑन मेन प्लांट बॉडी। कुछ भी कहना है, जो मैं बोल रहा हूं बस वही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो पॉलीगेट टेक प्लस, डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगेट टेक प्लस विद इन द माइक्रोसिंजिया, मतलब कि मेन प्लांट बॉडी पर जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े मेरे भाई लोग। चलिए, द कॉन बियरिंग मेगासोफिलस। अब यहां पर क्या है मेरे भाई लोग, कि जो फीमेल वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है, मेल वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, तो वापस से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉल में देखते जाते हैं अपन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देख लो, मेल जिम्नोस्पर्म है जिसमें एक तरीके से स्ट्रोबिलाई या कौन होगी, स्ट्रोबिलाई कौन जो माइक्रोस्पोरोफाइलस से बना होता है, माइक्रोस्पोरोफाइलस के पास क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो कि रिडक्शन डिवीजन के थ्रू, क्योंकि स्पोर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड जो स्पोर मदर सेल है वो क्या है, डिप्लॉइड है, तो रिडक्शन डिवीजन या मियोटिक डिवीजन या मियोसिस होकर के हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर जनरेट होगा और हाइली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट बनेगा, उसका नाम होगा पॉलीग्रेन, ठीक है। ये हाइली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट या पॉलीग्रेन जो बात करी है वो हमने अप टू जिम्नोस्पर्म बात करी है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म इन तीनों ग्रुप में यदि कंपेरिजन करें तो सबसे गरीब टाइप का यदि रिड्यूस गैमेटोफाइट होगा तो किसके पास होगा, जिम्नोस्पर्म के पास। लेकिन यदि हमने कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया किसको, एंजियोस्पर्म को, तो सबसे गरीब गैमेटोफाइट प्रेजेंट, हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। आपने देखा होगा एंजियोस्पर्म में जो फुली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है, फुली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म में, उसमें सिर्फ तीन सेल होती है, वन वेजिटेटिव सेल एंड टू टू मेल गैमेट। देखो पहले तो क्या होता है, वन वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल होती है, फिर जनरेटिव सेल माइटोसिस डिवीजन करके ना दो मेल गैमेट बना लेती है, तो ओवरऑल कितनी सेल हो गई, तीन सेल, ठीक है। तो हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अप टू जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप रिकॉल में आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज करना कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करिए तो हम आपको रिप्लाई देंगे, परेशान मत होना। चलिए, अब अपन बात करते हैं किसकी, फीमेल पोर्शन की, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे, ठीक है, चलिए, द कॉन बियरिंग मेगास्पोरोफाइलस विद ओविल, ठीक है, या मेगा स्पंजिव, ये 2013 कब क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर, 2013 जब जिंदगी में पहली बार नीट आया था, ठीक है, नीट एक्चुअल में लागू 16 में हुआ था, बट उसका कंसेप्ट जो है वो 13 में आ गया था, कोर्ट केस वगैरह में वो डिले हो गया था, ठीक है। तो 2013 में फर्स्ट टाइम जब नीट हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मेगा स्पोरेंजियम किसको बोलते हैं, आंसर आएगा ओविल, ठीक है। तो मेगा स्पोरेंजियम ओविल होता है किसके, सॉरी मेगा स्पोरेंजियम इक्वल होता है किसके, ओविल के, तो ये आपने देख लिया होगा। तो मेगा स्पोरेंजियम या ओविल आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी मेगा स्पोरेंजियट या फीमेल स्ट्रोबिलाइट, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, क्लीनिंग हो गई मेरे भाई लोग। तो मेगास्पोरोफाइलस जो होता है विथ मेगास्पोरोफाइलस जो होता है उसके पास क्या है, मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम मतलब कि उसी का दूसरा नाम क्या है, ओविल, है ना। और इसको फिर अपन एक कंबाइन स्ट्रक्चर को अपन बोल देंगे क्या, स्ट्रोबिलाई या कौन। अरे देखो सिंपल सी बात है, एक फूल होता है तो स्ट्रोबिलाई या कौन किसके बराबर है, फूल जैसा फ्लावर, ठीक है। अब आपने देखा होगा उस फ्लावर के अंदर क्या आता है, स्टेमेन भी होते हैं प्लस क्या आता है, गाइनोसियम भी होता है, ठीक है, से एक तरीके से पिस्टिल या कार्पेल। तो यहां पर भी लगभग वही रोल होता है, जो मेगास्पोरोफाइलस जो होता है वो पिस्टिल या कार्पेल का रोल प्ले करता है, और जो माइक्रोस्पोरोफाइलस जो होता है, माइक्रोस्पोरोफाइलस जो होता है वो स्टेमेन का रोल प्ले करेगा, जिसके पास एंथर और एक तरीके से फिलामेंट होता है। तो ये लगभग एनालॉजी होती है, वो भी आपको लिखा दिया जाएगा कौन किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहां पर मेगास्पोरेंजियम वर्ड यूज करेंगे, ओविल भी यूज कर सकते हैं, और हम जब एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो वहां पर मेगास्पोरेंजियम वर्ड कम यूज करते हैं और ओविल ज्यादा यूज करते हैं, पर मेगास्पोरेंजियम एंजियोस्पर्म में भी यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वो फ्लावर ही एक तरीके से, तो स्ट्रोबिलाई है ना, फीमेल स्ट्रोबिलाई जो है वो लगभग अपन एंजियोस्पर्म से कंपेरिजन करें तो क्या है, फ्लावर, एंजियोस्पर्म से कंपेरिजन करें तो फ्लावर, मतलब मैं लिख देता हूं तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जिम्नो और यहाँ एंजियो, ठीक है, यहाँ पर फीमेल कोन या फिर स्ट्रोबिलाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, फीमेल एक तरीके से फ्लावर, या फिर मेल एक तरीके से। अब यहां पर कॉन और स्ट्रोबिलाई के पास क्या मेगा स्पोरोफाइलस है, मेगा स्पोरोफाइलस है, और एंजियोस्पर्म में मेगा स्पोरोफाइलस के इक्वल क्या होगा मेरे भाई लोग, पिस्टिलिया कार्पेल, ठीक है, क्या है, पिस्टिलिया कार्पेल। अब मेगा स्पोरो
यहां पर क्या होगा, मेगास्पोरम यहां होगा, ओव्यूल क्या होगा, ओव्यूल। तो ये इस तरीके से एनालॉजी होती है जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये भी हम आपको बता देंगे, आप देखो ज्यादा ज्यादा वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए तो ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत थोड़ा सा टफ पड़ता है भाई। यदि आप ये मानते हैं कि ये सबसे इजी बुक है तो बहुत गलती में जी रहे हो। 10 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को अब तक पूरी नहीं आती, तुम्हारे पास आती होगी, समझ रहे हो। तो इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि बेटा जिस एनसीईआरटी की पैनल ने इस बुक को बनाया बेटा, वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। तो ये बुक जो होती है ना, वो इतनी आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं या बोला जाता है इसके बारे में। बहुत मतलब उन्होंने गलत नहीं बनाया, उन्होंने हर एक वर्ड इसमें सही लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या करा है कि एक तरीके से समराइज करके लिखा है, ठीक है। अब हम तो तभी उसे समझ पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे जब थोड़ा सा हमने उसको समझा होगा। तो हमें मेजोरिटी वाइज टारगेट ये करना है कि एनसीईआरटी को समझना ज्यादा है मेरे भाई लोग। चलिए, तो इस टॉपिक कौन द मेल एंड फीमेल कौन, ठीक है, आगे बात करेंगे द मेल या फीमेल कौन, ठीक है। अब यहां पर एक नया पॉइंट एड कर दिया इन्होंने, मेल एंड फीमेल कौन जो है या स्टोबलाइज मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री या फिर एक तरीके से डिफरेंट ट्री। ये वापस से यहाँ पर आ गया कि कौन जो होगा डायसियस होगा कौन मोनोसियस होगा, अरे चुटकों में याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो पॉइंट समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, चुटकियों में याद कर लेते हैं हर एक पॉइंट को, आप चिंता ही मत करना। जिस तरीके से अपन ने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था कि कौन क्या होगा, ठीक है, तो रिकॉल करिए उसको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की या एसोसिएशन की बात करें, सी फॉर साइकस, C for केलोइड रूट, C for साइक्लोइड, क्या करेगा नाइट्रोजन फिक्स करेगा, बचा हुआ क्या पाइनस, बचा हुआ फंगस दोनों मिलकर के माइक्रोएल्जा बनाएगा, है ना, खाना और वाटर मिनरल्स एक्सचेंज करेंगे बेटा। इसी तरीके से अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक पाइनस और साइकस, देखो बार बार जो आप देख रहे होंगे कि ले देकर के वर्ड दो ही आ रहे हैं, साइकस या पाइनस, जो कि हमने पहले बताया था। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दो ट्रिक है। दो ट्रिक का मतलब क्या है, कौन कौन से देख लीजिए, MP एंड CD, MP और CD, M मतलब मोनोसिस, मोनोसिस मतलब ऐसा प्लांट जिसके पास दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन हो, तो M मतलब मोनोसिस, P मतलब क्या आ जाएगा मेरे भाई, बहुत आसान है, P मतलब पाइनस, ठीक है। तो पाइनस क्या है, इन्होंने बोला ना कि मेल या फीमेल कौन जो होते हैं या स्टोबले कौन, स्टोबले कुछ भी हो, कहां पर सेम थी, सेम ट्री पर है, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम ट्री पर है, तो क्या होगा, मोनोसिस वर्ड यूज करते हैं पाइनस, तो क्या ट्रिक है, एमपी, ठीक है, एमपी। इसी तरीके से आप देखा होगा साइकस में मेल एंड फीमेल कौन जो होते हैं वो डिफरेंट ट्री पर है, ठीक है, मेल कौन एंड मेगास्पोर पाइनस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्री पर है, ठीक है। तो डिफरेंट ट्री पर है तो सीधी सी बात है सी डी, सी मतलब की सी, सी डी मतलब सी मतलब की सी, साइकस क्या है साइकस, तो MP, M मतलब कि मोनोसियस, P मतलब पाइनस, C मतलब साइकस, D मतलब डायसियस, तो MPCD इस तरीके से याद रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, वो हमेशा उल्टा देते हैं, आपको सिर्फ ये करना है जब भी आपके सामने क्वेश्चन प्रोजेक्ट हो डेफिनेटली MPCD ट्रिक लिखना है, और इसके बाद आपका देखो मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट क्या करते हैं, जब ट्रिक बनाते हैं लंबी लंबी कथा बना लेते हैं, पूरी लिस्ट रहती है उनके पास, वो याद नहीं रहती है, मेरे भाई इतना टाइम नहीं हमारे पास, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे खेलना, एम मतलब मोनोसिस होता है, पी मतलब पाइनस होता है, सी मतलब साइकस, डी मतलब डायसिस, एमपीसीडी याद रखो, सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत होगा, तो ट्रिक छोटी होना चाहिए, बहुत बड़ी ट्रिक होगा तो नुकसान आपका ही है, ठीक है। तो साइकस और पाइनस ये इन्होंने बीच में थोड़ी नई कहानी स्टार्ट कर दी थी, वो खत्म करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं बेटा, है ना, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम द वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस, तो ये होता ही है, ये एंजियोस्पर्म में थोड़ा सा इसको और अपन ज्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो न्यूसिलस की कोई सेल होती है, कुछ एक सेल या कोई एक सेल जो होती है वो एक तरीके से, न्यूसिलस क्या होता है, बल्क ऑफ सेल होता है, एक तरीके से सेल का एक मास होता है जो कि क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, किसको स्टोर करके रखता है, फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसी की कुछ एक सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल, मतलब एक तरीके से वो अपना स्पेशल शेप और साइज जो होती है वो एक्वायर कर लेती है। इसका एंजियोस्पर्म का वीडियो देखना, अभी जो प्लांट में एंजियोस्पर्म दे रखा है वो तो एक तरीके से जो है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए दे रखा है, एक्चुअल में आपको एंजियोस्पर्म पढ़ना है तो 12th वाला एंजियोस्पर्म जो दे रखा है सेक्सुअल प्रोसेसिंग फ्लॉरिंग प्लांट वो पढ़िएगा, ठीक है। तो उसका हम जब वीडियो डालेंगे तो वो आप देखना, उसमें आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो बनती है वो किससे बनती है, न्यूसिलस से। न्यूसिलस क्या होता है कि
ओविल के अंदर इंटेगुमेंट से कवर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल का एक तरीके से बल्क होता है, जिसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। उसी न्यूक्लियस से क्या होगा, मेगास्पर्म मदर सेल बनेगी और उस मेगास्पर्म मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम जो होगा वो न्यूक्लियस ही करेगा, ठीक है, सारा काम करता है। न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप कंपोनेंट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओविल। ओविल जो होता है इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। ओविल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोपिलस व्हिच क्लस्टर ऑफ फीमेल कोन, ठीक है। तो वही बात हो गई है ना कि फीमेल कौन है, फीमेल कौन के अंदर मेगास्पोरोफाइलस है, मेगास्पोरोफाइलस के पास वही जो है मेगास्पोरियम या एक तरीके से ओव्यूल है, ठीक है। तो ये लगभग एनालॉजी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली और फॉर्म फोर मेगास्पोर, चार मेगास्पोर बनेंगे। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, दैट बियर टू या मोर आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो एक तरीके से जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर जो होता है वो मेगास्पोरियम के अंदर डेफिनेटली होगा, इसे ओविल के अंदर तो होगा ही ना, सारा प्रोसेस जो है मेगास्पोरियम का मतलब क्या, ओविल क्या है, ओविल, ठीक है, डेवलप इनटू मल्टीसेल फीमेल गैमेटोफाइट। तो डेफिनेटली जिस तरीके से आपने देखा होगा कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, इसमें नया कुछ नहीं, ठीक है। और उससे दैट आर बियर ऑन, ठीक है, आर्किगोनिया। अब यहां पर क्या होता है, देखो जिम्नोस्पर्म में है ना माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक है, देखा माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर से बनते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है, नहीं आया वो समझ में क्या लिखा मैंने, ठीक है, समझ आ गया। अब इतना समझ आया तो फिर डॉक्टर नहीं बन सकते बेटा, हो फिर बताइए तुम, डॉक्टर राइटिंग कैसी होती है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में बेटा एंथ्रिडिया जो लिखा है मैंने वो अब्सेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में एंथ्रिडिया नहीं होता, एंथ्रिडिया सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइटा तक ही होता है। तो एंथ्रिडिया किससे रिप्लेस हो गया, पर्लग्रेन से। तो माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बनाएगा, पर्लग्रेन। इसी तरीके से मेगास्पोर से क्या बनेगा, एक तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट, उसका नाम होगा मेगा, ठीक है, क्या सॉरी थोड़ा सॉरी है ना, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और उसका नाम होगा क्या, नाम होगा आर्किगोनिया, क्या नाम होगा आर्किगोनिया, ठीक है। तो देखा होगा आपने कि आर्किगोनिया अभी भी जिम्नोस्पर्म के पास प्रेजेंट है बट एंथ्रिडिया अब्सेंट, ठीक है, आर्किगोनिया अभी भी प्रेजेंट है। इसके ऊपर भी 2015 कैंसर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है आर्किगोनिया, जो है आर्किगोनिया जिम्नोस्पर्म के पास होता है या नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है, अब्सेंट होता है, एंथ्रिडिया अब्सेंट होता है, उसकी जगह कौन आ जाएगा, पोलिंग्रेन आ जाएगा, याद रखना। चलिए आगे, तो आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो बनेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो रिटेन ऑन मेगास्पोरियम। तो पहले आपको बता दिया कि जब भी हेटरोस्पोरिक कंडीशन होगी मेरे भाई, जब भी हेटरोस्पोरिक कंडीशन होगी तो गैमेटोफाइट जो होगा वो ऑलवेज रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। चलिए आगे, अनलाइक, अब ये यहां पर वो वर्ड लिखा हुआ है, अनलाइक है ना ब्रायोफाइट एंड एंडोफाइट, जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट Do not have independent existence, free living existence. मतलब कि यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिस तरीके से ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग एक तरीके से रहते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म में जो है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है। तो इस लाइन में मतलब समझ आ गया होगा, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग रह सकते हैं जबकि जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग नहीं रह सकते, फ्री लिविंग नहीं रह सकते जिम्नोस्पर्म। और उसके साथ साथ एंजियोस्पर्म में भी सेम रूल है, ठीक है, क्योंकि हेटरोस्पोरिक कंडीशन है। आप ये रखना, जब भी हेटरोस्पोरिक कंडीशन है गैमेटोफाइट नॉट फ्री लिविंग, वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी हेटरोस्पोरिक कंडीशन है गैमेटोफाइट नॉट फ्री लिविंग, पूरा जिम्नोस्पर्म हेटरोस्पोरिक है, पूरा एंजियोस्पर्म हेटरोस्पोरिक है, तो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं हो सकता। पर्लग्रेन फ्री लिविंग होंगे ना, आर्किगोनिया फ्री लिविंग होगी ना, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, कौन सी कंडीशन है, हेटरोस्पोरिक कंडीशन है। तो जब भी हेटरोस्पोरिक कंडीशन होगी या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते, ठीक है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटर्न ऑन स्पोरोफाइट, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पोलन ग्रैन रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरियम, डेफिनेटली माइक्रोस्पोरियम से रिलीज होगा ही सही, ठीक है, और ये वाया एयर करंट,
ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जिम्नोस्पर्म में जो है पोलिनेशन या एक तरीके से पोलिनेशन किसके थ्रू मूव करते हैं, तो वो मूव करेंगे किसके थ्रू, एयर करंट के थ्रू, है ना। एनिमोफिल है ना कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द क्या होगा ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफाइलस। ठीक है, मेगास्पोरोफाइलस के पास जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जाकर के क्या करेगा, एक तरह से फर्टिलाइज पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट grow towards the archegonia of ovule, है ना, discharge the contact of the mouth of archegonia। ठीक है, तो सिंपल वर्ड जो आपको ध्यान में आया होगा, पता होगा इसके बारे में। चलिए आगे, है ना, फॉरिंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट, जाइगोट सब क्या बनेगा, एम्ब्रियो और एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा एम्ब्रियो और ओव्यूल बनेगा किसमें, सीड, और सीड जो होता है विदाउट कवरिंग वाले होते हैं, मतलब एक तरीके से ओवरी वाल अब्सेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जिम्नोस्पर्म में जो है किस तरीके से हमने देखा है कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होगा, एयर के थ्रू होगा। ठीक है, एयर उसको एक तरीके से मूव करवाएगा, प्लस यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रैन प्रेजेंट है, एंथ्रिडी अब्सेंट है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो आर्किगोनिया अभी भी प्रेजेंट है। पोलन ग्रैन आर्किगोनिया के पास जाएंगे, ठीक है, उसके पास मेल गैमेट होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं जनरली, दोनों मेल गैमेट एक तरीके से रिलीज होंगे जिसमें से एक फंक्शन एक काम करेगा और दूसरा ऑटोमेटिक डिजनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा और ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड, और सीड जो होगा वो कभी भी कवर नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर ओवरी डेफिनेटली एब्सेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जिम्नोस्पर्म का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर दीजिए, प्लस इसके साथ साथ थोड़ा सा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और यहाँ आपको जो भी चैप्टर में दिक्कत है, देखो वैसे तो आपको लगता है बायो पूरा आता है, मुझे लगता है आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता होगा, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा आप हमारी मदद कर सकते हो। आपको यदि बता देंगे सर आपको ये मतलब आप बेटा आप लोगों को यदि कोई ये चैप्टर नहीं आता है तो हमारी मदद हो जाएगी, हम आपको बता देंगे चलिए ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।